हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भारत सिंह। टुडे आई विल टीच यू क्लास टेंथ इंग्लिश पोइट्री। द फर्स्ट पोएम इज द फाउंटेन फवारा। द पोइट ऑफ दिस पोएम जेम्स रूसेल लोवेल। ही वॉज बॉर्न 1819 एंड ही डाइड 1891। स्टूडेंट्स, दिस पोयम इज बेस्ड ऑन ए फाउंटेन। कवि इस पोयम में एक फाउंटेन की तारीफ करता है, एक फाउंटेन के बारे में बता रहा है। कवि देखता है कि एक फव्वारा लगातार गति से चलता रहता है, हमेशा ऊपर की ओर जाता है, स्थिर रहता है फिर भी गति करता रहता है, गति करता है फिर भी स्थिर रहता है, गति करता लगातार लेकिन वो स्थिर भी रहता है। तो उसके बारे में बता रहा है कि हर मौसम में हर समय वो गतिमान रहता है और हमको भी लगातार वर्क करता रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इनटू द सनशाइन, कभी इस लाइन में कह रहा है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन माने सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की चमक में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भर जाता है। फव्वारे को कह रहा है ये सूर्य की रोशनी से पड़ती है तो प्रकाश से भर जाता है, प्रकाश से चमकने लगता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, ऊपर को उछलता है एंड फ्लैशिंग चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से रात तक वो अपना गति को बरकरार रखता है, उछलता रहता है, चमकता रहता है और चांद सूर्य के प्रकाश में रोशनी से फूल बढ़ जाता है। इनटू द मून लाइट में, चांद के प्रकाश में, इनटू द मून लाइट में, चांद के प्रकाश में, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वाइटर में ज़्यादा सफ़ेद दिखता है, देन स्नो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेबिंग सो फ्लोवर लाइक वहन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, वहन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, वेबिंग सो फ्लोवर लाइक, वेबिंग हिलता है, सो फ्लोवर लाइक फूलों की तरह हिलता रहता है। जब हवा चलती है, हवा के झोंके आते हैं तो फव्वारा ऐसे हिलता है जैसे कि कोई फूल हिल रहा हो। इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग दौड़ता रहता है, इन स्प्रे मतलब एकदम फव्वारा छोड़ता है, रसिंग इन स्प्रे मतलब एकदम फव्वारा छोड़ते हुए फव्वारे की तरह रसी तेजी से गति करता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और रात में, आधी रात में भी खुश रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहता है, दिन हो या रात हो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तारों की रोशनी में भी ऐसे गति करता रहता है, उछलता रहता है। एवर इन मोशन, हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, ब्लिथसम एंड चेरी मतलब प्रफुल्लित, प्रसन्न, खुश रहता है, हमेशा वो प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइम्बिंग हेवनवर्ड, और हमेशा वो ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, हमेशा देखते हैं ना फव्वारे को हमेशा ऊपर जाता रहता है, उसको पानी निकलता है, बौछार करता है, हमेशा ऊपर को जाता रहता है। नेवर अवेयरी, और कभी थकावट नहीं आती उसको, कभी थकता नहीं है। ग्लेड ऑफ वेदर्स, वह हर मौसम में खुश रहता है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, हर मौसम में वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग अ बेस्ट, और हमेशा अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थी रेस्ट, अपवर्ड कभी ऊपर जाता है और डाउनवर्ड नीचे आता है, जैसे फव्वारा देखते हैं हम, पानी ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है। मोशन थी रेस्ट, और मोशन थी रेस्ट मीन मोशन, गति, थी रेस्ट तेरा आराम है, मतलब गतिमान रहना ही तेरा आराम है। देखते हैं कि वो चल रहा है लेकिन हमें स्थिर दिखाई देता है, गति भी लगातार करता है फिर भी स्थिर रहता है, तो आराम ही मतलब गति ही फव्वारे का आराम है, उसका लगातार चलता रहना ही उसका आराम करना होता है। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा होता है, नथिंग कैन टेम, और कोई उसको रोक नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, और हर समय वो चेंज होता है, एवर द सेम, फिर भी स्थिर रहता है, एक जैसे दिखाई देता है।
हर समय हर मोमेंट सिर्फ पानी उसमें से निकलता है, ऊपर को चढ़ता है, नीचे आता है, हमेशा बदलता रहता है, फिर भी क्या है आवर्धा से फिर भी एक जैसा रहता है, स्थिर रहता है। स्टूडेंट आर यू गेटिंग? सीजलेस एस्पायरिंग और बिना रुक के गति करता है, सीजलेस कंटेंट और निरंतर ही उसकी संतुष्टि है, सीजलेस बिना गति बिना रुके ही उसका संतुष्टि है, स्थिर रहता है। डार्कनेस और सनसाइन, चाहे अंधेरा हो या फिर सूर्य के प्रकाश हो, थी लिमेंट, वह हमेशा प्रसन्न रहता है, उछलता रहता है, गतिमान रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, बहुत ही अद्भुत फुब्बारा होता है, फुब्बारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। लेट माई हार्ट, वह मेरे दिल को छू लेता है। फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अबाइड लाइक थी, ग्लोरियस फाउंटेन फुब्बारा बहुत देखने में सुंदर लगता है। लेट माई हार्ट भी वह मेरे दिल को छू लेता है, मेरे दिल को छू जाता है, बहुत उसको पसंद करता हूँ, फ्रेश हमेशा तरोताजा रहता है। लेट माई हार्ट, मैं भी इस जैसा बनना चाहता हूँ, फ्रेश तरोताजा चेंजफुल गतिमान एंड कंटेंट स्थिर, मैं भी ये चाहता हूँ जैसे कि फुब्बारा सुंदर है, अच्छा लगता है, हमेशा गतिमान रहता है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, फ्रेश तरोताजा चेंजफुल परिवर्तनशील एंड कंस्टेंट स्थिर अवॉइड लाइक थी, जैसे कि आप हमेशा ऊपर को जाते रहते हो, गति करते रहते हो, स्थिर भी रहते हो और गति भी करते हो, हमेशा तरोताजा रहते हो, परिवर्तनशील रहते हो, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, हम भी आपकी तरह बनना चाहता है। ये हम आपसे ये सीखते हैं, आपको देख के हम प्रेरित होते हैं, हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दिस पोएम इज ओवर। राइट ऑल द हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड रिवाइज एंड लर्न by heart in your examination comes 4 lines। आपकी एग्जाम में किसी भी पोएम की 4 लाइन आती है लिखने के लिए, तो learn this poem by heart। Okay students, thanks a lot।